हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर टू, जिसका नाम है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ ली है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रोमन सिविलाइजेशन। तो जो रोमन सिविलाइजेशन है उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए रोम वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। देखो, ये हमारा यूरोप है। अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा था ग्रीक सिविलाइजेशन जो ग्रीस में थी, ये यहाँ पर ग्रीस है। इससे आगे जो जे शेप्ड है ना, ये जे शेप, ये हमारा इटली है, ठीक है। और इटली की कैपिटल है रोम, रोम। और इसी रोम में हमारे एक मेन रिवर आएगी जिसका नाम है ताइबर। उसको अभी आगे हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जे शेप जो है वो इटली है, और जो इटली है, इटली की कैपिटल हमारी है रोम। चलो देखो, 1000 BC में रोम जो है एक स्मॉल विलेज था जो कि 7 हिल्स पर बना हुआ था। और किस कहाँ पर बना हुआ था, कौन सी रिवर पर? ताइबर। अभी मैंने बताया था ना, ताइबर रिवर। तो ये जो रोम है ना, ये 7 हिल्स पर बना हुआ था, ताइबर रिवर की बैंक्स पर, 7 हिल्स पर बना हुआ था। इसी वजह से रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको याद कर लेना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले रोम था ना, स्मॉल स्मॉल विलेजेस में डिवाइड था, उसके बाद फिर विलेजेस के बाद सिटी स्टेट्स में डिवाइड किया, और फिर धीरे 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 ये एक पूरा एक बड़ा एम्पायर, पूरा एक बड़ी साम्राज्य बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक एट्रुस्कन रेस आती है, एट्रुकन रेस, जिसने कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने क्या बिल्डिंग्स को बिल्ड किया, बहुत सारी सिटीज को एस्टैब्लिश किया। और यहाँ पर एट्रुकन रेस ने लोगों को अल्फाबेट्स, आर्ट, वार से रिलेटेड वेपन्स वगैरह को भी सिखाया। 500 BC में यहाँ पर आर्यंस आते हैं, इस रोम के ऊपर आर्यंस कंट्रोल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रोमुलस, देखो नाम से देखो, रोमुलस, रोमुलस के नाम से ही यहाँ का नाम रोम रखा गया, और यही यहाँ का फर्स्ट एम्परर था रोम का। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इसकी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मोनार्किल पीरियड, रिपब्लिकन पीरियड, पीरियड ऑफ मिलिट्री लीडर्स, एंड फोर्थ है हमारा इम्पीरियल पीरियड। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मोनार्की पीरियड था ना, जहाँ पर किंग जो था, वहाँ देखो किंग पता ही है, हर स्टेट का किंग सबसे बड़ा वाला हेड होता है, और किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, जो मन चाहे वो कर सकता है। तो जो मोनार्कियल सोसाइटी थी इस पीरियड की, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, 1 इज पेट्रिशियन क्लास एंड 2nd इज प्लेबियन क्लास। तो पेट्रिशियन क्लास जो थी ना, वो इसमें वो पीपल्स थे जिनका जन्म रोम में ही हुआ था, जो रोम में रहते हैं वो थे इसमें रियल, मतलब पेट्रिशियन क्लास में वो पीपल्स थे जो यहाँ के रियल इनहैबिटेंट्स थे रोम के। और जो ये क्लास है, इस क्लास में कैसे पीपल्स थे, इस क्लास में जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो अमीर अमीर फैमिलीज थे ना, उसके पीपल्स थे इस क्लास में। और जो ये क्लास थी, इसमें क्या थे, स्लेव्स थे, लैंडलेस, इनके पास लैंड ही नहीं थी, जो दास थे, पुअर पीपल्स थे, जिनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, इनके पास सारे राइट्स थे। ये एक बहुत ही अच्छी लग्जरीज की लाइफ जीते थे, वहीं पर ये, इनकी इतनी गंदी लाइफ थी, इनको दास बन के रहना पड़ता था, ना इनके पास लैंड थी और ना इनके पास कोई राइट्स थे, और ना ये प्रोटेस्ट कर सकते इन चीजों के अगेंस्ट। अब देखो, बहुत सारे रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस को भी यहां पर बिल्ड किया गया रोम में। रोम की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया ना, रोम के चारों ओर ना वॉल्स को बना दिया गया, वॉल बना दी इसके चारों तरफ, ठीक है। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स भी यहां पर बिल्ड किए गए। अब देखो, एज ऑफ अगस्टस, अगस्टस ना रोम का एक एम्परर था, जिसके टाइम पर जो रोम था ना, इतना मतलब कि लोग इतने खुश थे, ना ही कोई उनको मतलब कि उनके साथ कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होती थी, बहुत ही ज्यादा खुश थे। और जो एज था ना, एज ऑफ अगस्टस, वो रोम की गोल्डन एज भी बोली जाती है। और जो इसका एरा था ना, एरा ऑफ, ये जो एरा था ना, मतलब कि अगस्टस के टाइम पर, वो एक बहुत ही पीस और प्रोस्पेरिटी का एरा था। हमें पता कहाँ से चलता है सोर्सेज ऑफ नोइंग रोम सिविलाइजेशन को, देखो हमें पता कहाँ से चलता है रोम सिविलाइजेशन के बारे में, इंस्क्रिप्शंस ऑफ 12 प्लेक्स, 12 टेबल्स से पता चलता है। जो राइटिंग्स लिखी गई है वुडन बोर्ड्स के ऊपर प्रिस्ट के द्वारा, रोम के जो प्रिस्ट है, उन्होंने क्या किया, वुडन बोर्ड्स के ऊपर राइटिंग लिखी हुई है। और फिर वर्क्स ऑफ लिवी, राइटिंग्स ऑफ पोलीबियस और डायडोरस की राइटिंग से भी पता चलता है। अब इसके बाद हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करते हैं। देखो,
जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम था, रिपब्लिकन सिस्टम रोम में। और देखो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, तो वहां पर रोम में पार्लियामेंट को सेनेट बोलते हैं, ठीक है। और सेनेट को कौन इलेक्ट करता था, वहां के पीपल सिलेक्ट करते थे। अब देखो सेनेट, अब सेनेट है, सेनेट में 300 मेंबर होते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर जो हमने दो क्लासेस पढ़ी थी, ये दो क्लास इस क्लास के ही मेंबर होते हैं सेनेट में। इनके पास तो कोई राइट ही नहीं था, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसके बाद देखो सारे के सारे जो मेंबर्स थे ना सेनेट के, वो मिलके दो जजेस को अपॉइंट करते हैं, और जो दो जजेस होते हैं ना उनको कंसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब उन जजेस का टेन्यूर होता है, मतलब टाइम होता है उनका 1 ईयर का सिर्फ, और वही चीफ जस्टिस होता है, वही चीफ जनरल होता है, और वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब देखो एक किंग है, एक उसके बाद दो जजेस है, अब सेनेट ने इलेक्ट किया दो जजेस को। अब एक और ऑफिसर है जिसका नाम है फाइनेंस ऑफिसर, वो क्या करता है, वो जजेस को हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है वो, और उन जजेस को मतलब फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे उनको क्विस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने तीन पीछे से पढ़ी है, देखो एक तो सेनेट पढ़ी है, एक कंसल पढ़े हैं जजेस को इलेक्ट करती है सेनेट मिलकर 300 मेंबर, और फिर हमने पढ़ी है क्वेस्टर्स पढ़े हैं फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि जजेस को हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि सेंसर्स, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, एडल, पीस कीपर एंड प्रियटर जज। देर अपॉइंटमेंट्स जो थे 1 साल के लिए होते हैं इनके अपॉइंटमेंट्स भी, ठीक है। अब देखो प्रोविंसेस भी होते थे, तो प्रोविंसेस के अंदर जो सारे मिलकर गवर्नर को चूज करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं वहां पर, और उसका भी टेन्यूर 1 साल का होता है। तो हर चीज का टेन्यूर 1 साल का होता है, जजेस का टेन्यूर भी 1 साल का है, गवर्नर का जो गवर्नर है इनका टेन्यूर भी 1 साल का होता है, जो अदर ऑफिसर्स है उनका भी टाइम लिमिट जो टेन्यूर है वो 1 ही साल का होता है। इसके बाद देखो क्या होता है, मान लो कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नर्स जो है ना प्रोविंसेस के, उनको सैलरीज नहीं मिलती है टाइम पर, तो अगर उनको सैलरीज नहीं मिलती उनको तो पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, जो जनरल पीपल होते हैं ना, कॉमन पीपल्स जो ये फिर ये प्लेबियन क्लास कह लो, इनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देते हैं वो, और इनसे जितना मन चाहे ना मनमाना टैक्स लेते हैं वो उनसे, ठीक है। आगे देखो यहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो देखो कैसा है, यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन है रोमन पीपल्स का वो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। नॉट ओनली इसी एज या इसी सिविलाइजेशन का, जितनी भी एज हमने सिविलाइजेशन पढ़ी है सब में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है, और यही इनकी मेन ऑक्यूपेशन रही है। जैसे वीट, पार्ले, मिलेट, ग्रेप्स, ऑलिव्स, एप्पल्स वर द मेन क्रॉप्स थी यहाँ पर। और जो लैंड थी किनके पास थी, लैंड वेल्थी पीपल्स की ही थी लैंड, इनको सेकंड क्लास को तो कहां से लैंड देंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड डेवलपमेंट हुई, ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पर पीपल्स जो है यूटेंसिल्स बनाने लगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज भी बनाने लगे। जो स्टेट्स थी ना उनके पास इनकम आता था कहां से, माइंस से, प्रोडक्शन भी करते थे वो सॉल्ट का, ठीक है। और ये पीपल्स क्या करने लगे, मसलिन को इम्पोर्ट करने लगे फ्रॉम इंडिया से, और मेटल को अफ्रीका से, सिल्क को चाइना से, और आयरन ग्रीस से। इसके बाद देखो सोशल एंड कल्चरल जो सिस्टम देखते हैं यहाँ का जो है, यहाँ पर देखो क्या है, फैमिलीज, देखो रोम में क्या थी, फैमिलीज थे, और ये सारी की सारी फैमिलीज यूनाइट कर रखी थी। जो मेंबर्स थे फैमिली के उनको क्या कर, जैसे हमारे मेंबर होते हैं फैमिलीज के, जैसे जो हमारे ग्रैंडफादर या जो हमारे फादर होते हैं वो हमें जो ऑर्डर देते हैं, हमें वो ऑर्डर मतलब ओबे करना होता है। ऐसे ही वहां पर था, जो मेंबर होते थे फैमिली के, जो ऑर्डर दिया ना वो ऑर्डर ओबे करना होता था, ठीक है। जो पीपल्स थे रोम के वो बिलीव करते थे, वो क्या करते थे, देखो नेचर को तो वो वर्शिप करते ही थे, बिल्कुल सारे के सारे सिविलाइजेशन में सभी ने रिलीजियस और सोशल में क्या किया, नेचर को वर्शिप किया, इन्होंने भी नेचर को वर्शिप किया है। और भी इनके गॉड्स हैं, जैसे कि गॉड ऑफ पीस, गॉड ऑफ वॉर, गॉडेस ऑफ लव, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, अपोलो। अपोलो को एक इम्पॉर्टेंट गॉड है, गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट को अपोलो को बोलते हैं, गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिपब्लिकन पीरियड। देखो जो रियल पावर्स थी स्टेट की वो किनके हाथ में थी, पीपल्स के हाथ में थी। कैसे थी, क्योंकि पीपल्स ही थे जो सेनेट को इलेक्ट करते हैं, और सेनेट दो जजेस को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लेबियन क्लासेस थे ना उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी जो अभी हमने पढ़ी है रोमन सिविलाइजेशन, ये
ये अभी यहीं पर खत्म होती है, इसके बाद दो सिविलाइजेशन और रहती है, उसकी जो वीडियो है मैं कुछ समय बाद बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।